वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। वी आर एट मिराकी और हमने लस्सी मंगवाई थी, बहुत टेस्टी थी, इसलिए राहुल उसे घूरे जा रहा है कि कैसे ख़त्म भी हो गई। और मेरा फ्राई राइस अभी ऑन द वे है, हमने फ्राई राइस मंगवाया था। ये रहा उसका मेन्यू उस रेस्टोरेंट का, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे और रीज़नेबल था। और मेरा मोबाइल फ़ोन, ये है मेरी मिनी, क्यूट क्यूट मिनी। फाइनली हमारा वेज फ्राई राइस आ गया। ये है राहुल जो इसे खा रहा है, सारा कुछ इसने खाया। नहीं, मैंने भी खाया और बहुत बहुत टेस्टी था। सो पेट भर खाना खा के हम निकले अपनी जर्नी पर। और ये है राहुल जिसका पेट पूरा का पूरा भर चुका था। सो लेट्स गो एवरीवन। सो हम निकल पड़े अपनी खूबसूरत जर्नी पर। और ये है वो टॉय ट्रेन के ट्रैक्स और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, इतने खूबसूरत नज़ारा था। और उसके अपोजिट साइड रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो मैंने सुना कि ये रोड शायद जॉगर्स के लिए बन रहा था। तो जैसे हमने आगे से लेफ्ट लिया, ये रहे छोटे छोटे शॉप्स जहाँ से आप स्नैक्स ख़रीद सकते हो अपने जर्नी के लिए। एंड देन गाइस, दीज आर द टॉल ट्रीज यू सी ऑन द वे। दे वर सो ब्यूटिफुल, इतने सुंदर ट्रीज थे और इतना सुंदर नज़ारा, इट वॉज रियली नाइस। सा गेट है यहाँ पर, हम यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि, और ये रही मिलिट्री की बाइक जा रही है वहाँ से। लुक एट द व्यू गाइस, यू ऑल आर गोइंग टू बी रियली सरप्राइज्ड। वाओ, लुक एट दीज माउंटेन्स, ट्रीज, दे आर सो ब्यूटिफुल, इजंट इट? एंड लुक एट द रोड, इट इज सो clean and smooth, and these trees again, of course. Oh, this slope here was so beautiful and fun. And ahead of this road, you will see tea garden. Yes, all the tea lovers, this is where your tea comes from. So finally हम वो गेट पर आ ही गए जिस गेट से मिरिक का रास्ता शुरू होता है। और ये रहे वो बोर्ड्स जहाँ पे हमें किलोमीटर्स का पता चलता है, ये रहा दूसरा बोर्ड। और उसके बगल में ये रहा क्यूट सा हाउस जो मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे घर आपको दिखाई देंगे। और थोड़ा सा ही आगे चलते ही हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने नेपाल के आइडल के लिए वोट करने को कहा। अगर आप इसे जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और आपने वोट किया कि नहीं, ये भी बताइएगा। सो ये है वो जिसे हमें वोट करने के लिए कहा गया था, तो प्लीज़ आप इसे वोट करिए। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि रास्ते पे जो बोर्ड्स लगते हैं, जो स्टोन में जो क्रेविंग्स होती है, पेंटिंग होती है कि कहाँ जाना है, कितने किलोमीटर जाना है, किस कौन करता है ये, तो आज फाइनली मुझे वो आदमी मिल गया है। ये रहा वो आदमी जो ये सारी चीज़ें बनाता है। गाइस, आई एम लिटरली इन हेवन, एज यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ माय लाइफ। फाइनली गाइज, हम पहुँच ही गए। ये है दूधिया रिवर और इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना क्लियर वाटर, आई मीन आई वॉज इन लव विद इट। ये रहा वो स्पॉट, ये रही मैं, आई मीन विदाउट थिंकिंग पानी के अंदर जाते हुए। आप देख पा रहे हो कि पानी कितना क्लियर है, राइट? Water is so cool.
राहुल पानी के बीचों बीच जाने की कोशिश कर रहा था, रिवर के बीच में। बहुत ही स्लिपरी था तो बहुत केयरफुली चढ़ना पड़ रहा था, और राहुल बहुत ध्यान दे के चढ़ रहा था। Now who will capture me? You too don't have phone. Hi बोल दो, hi बोल दो। आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम क्या है? नोएल। विवेक। ओ सो वी हैड आवर विवेक बडी। सो फाइनली मैं भी उस स्पॉट पे आके बैठ गई जहाँ पे राहुल आने की कोशिश कर रहा था। इट वाज सो ब्यूटीफुल फ्रॉम देयर। और फिर हम दोनों आके बैठ गए और हम वहाँ का खूबसूरत नज़ारा इंजॉय कर रहे थे। This is another spot. If you need guidance how to come this side, so you can put a comment in the comment section and I can help you out, because it's a really beautiful spot. It's hidden yet beautiful. So it's a secret spot for people to come and chill. So guys, I'm enjoying the view and it's so beautiful. But Rahul is on a mission to find crabs and fishes. Look at him. Oh, he found one. Okay. And then I'm enjoying the view here. It's so beautiful. As you can see, it's so pretty. It's very nice. So main yahan par aaram se apni baat इस नए स्पॉट पर, और हम मुझे शूट कर रहा था छुपके से। जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं है। जानते वक्त जो नज़ारा था, क्योंकि बारिश हुई थी तो और भी खूबसूरत ये जगह हो गई। आई एम स्पीचलेस। बारिश के बाद ये रोड और भी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। रास्ते में बहुत तेज़ की भूख लग गई, इसलिए हम रुक गए खाना खाने के लिए। ये है वेज थाली। ये बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट था और खाना भी काफ़ी अच्छा था। बहुत मज़ा आया खाना खाकर। खाना खाने के बाद हम चाय पीने बैठ गए और बारिश हो रही थी, और ये रहा यहाँ का नज़ारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।